सबसे खतरनाक खेल वही है जो अपने खेलते हैं अपनों के साथ। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, ऐसे ही अच्छे लोगों की संगत में हम भी अच्छे हो जाते हैं। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं बस दुख में याद करते हो। याद रखना, मोहब्बत हो या दोस्ती, तीसरा आता है तो फर्क पड़ता है रिश्ते में। शुक्र है खुदा का जिसने मुझे धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। खतरनाक हो गया है आजकल का इंसान, सांप सुरक्षा के लिए डसता है और इंसान अपने मतलब के लिए। चंद घटिया किस्म के लोगों की वजह से औरत की वफा भी बदनाम है और मर्द की मोहब्बत भी। अच्छी सोच के लोग अक्सर अच्छी शक्ल के लोगों से हार जाते हैं। ना जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने देने का दस्तूर, गरीब इंसान अब मिलने से भी कतराते हैं। इतनी भी सादगी से ना मिला करो, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। कोई आंखों में बातें कर लेता है, कोई आंखों आंखों में मुलाकात कर लेता है। मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर भी सवाल कर लेता है। माना दुख सताता है पर यही तो है जो सुख का महत्व समझाता है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलते। गलत ही उसे कहते हैं जिसे आपने कुछ सीखा नहीं। दूसरा तभी छोटा दिखता है जब हम उसे दूर से या गुरूर से देखते हैं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे सिर्फ हम एक दूसरे की भूल। जख्म देने का अंदाज कुछ ऐसा है, जख्म देकर पूछते हैं अब हाल कैसा है। रुकावटें तो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए हैं, अर्थी के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आ गया अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने काफी अच्छे थे। मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूं, पर एक की खुशी दूसरे का दुख का कारण होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे कारोबार हो या रिश्ता। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, बस याद रखना वक्त सबका आता है। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों के धोखे। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। मैं ठीक हूं ये तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं ये कहने के लिए बहुत खास चाहिए। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबा चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो बहुत चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है बेईमानी करता है वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं,
मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, बात जब अपनी पर आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत का केंद्र तो दिल ही होता है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी कोई ये सोचता है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल देते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात जरूर सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं, क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा।